आपाशी खाते वाले सूबाई वजीर सोहेल अनवर सियाल चाहे तो सिंध में पानी की खोट गणती जोगी हद तक वही वही है। असा सिर्फ इो घुरू था तो 1991 वाले अकार्ड से अमल कंदे सिंध के पंजे हिस्से जो पानी दिनों वे। हैदराबाद में कोटली बैराज की ऑफिस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कंदे सोहेल अनवर सियाल टिन सूबन के एतराज़ बावजूद पंजाब टीपी लिंक कैनाल खोले छोड़ो है। ये 24 तारीख को गलत एक रेफरेंस देके टीपी लिंक कैनाल खोला गया। 27 को उसी कमेटी के चेयरमैन ने पंजाब इरीगेशन को लिखा कि आप गलत कोट कर रहे हैं उस मीटिंग को। ऐसा कोई डिसीशन नहीं हुआ। 1/3 की मेजॉरिटी से ये अपनी रिक्वेस्ट जो थी वो पंजाब की रिजेक्ट हो चुकी थी। सोहेल अनवर सियाल गुडू ते 65% सखर में 45.5% कोटड़ी में 60.2% पानी की खोट है। जैसे त सिंध में पानी की खोट ते जेके पीटीआई वारा एहतजाज कन पिया उहे पान वाटर टेम्परिंग करे रहा आहिन। पीटीआई सिंध के पानी जो हिस्सो देण बदरा केस के बियो रुख दई रही है। पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई सिंध के हुकूक तो नहीं दिला सकी। सिंध के हक के लिए पानी की बात हम कर रहे थे वो नहीं दिला सकी। उल्टा उस चीज़ को जो सिंध का केस है, सिंध के अवाम का केस है, उसको डाइवर्ट करने के लिए उल्टी चीज़ें चला के मीडिया में एक इंतशार फैलाना चाहते हैं। दादू के नाल पे मेरी अपनी ज़मीन है, सीएम सिंध मुराद अली शाह की ज़मीन है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़मीन है। वहाँ पे भी अभी तक परसों तक हमने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पानी नहीं छोड़ा था। सूबाई वजीर सोहेल अनवर सियाल सिंध में पानी चोरन खिलाफ सख्त कार्रवाई करे पानी की चोरी के रोके रहा आयु। जडे त गुड्डू ए सखर बैराज जो पानी घट करे पीण के पानी जो मिकदार वधाए रहा है जी पीण के पानी की खोट के मुँह डेई सकजे। कैमरामैन नसीब रिंद शाहिद रिंद सा गड फहीम बबर सिंध टीवी न्यूज़ हैदराबाद।